भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। भ्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? दो चार गोपियां तो ये शब्द सुन के ही मूर्छित हो गईं। बोले और कितना करें तुम्हारे लिए। और भगवान पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। पतिव्रता नारी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले अपने पति से तो प्रेम करे ही, लेकिन तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम च अनुपोषणम। अपने पति से संबंध रखने वाले सभी सगे संबंधियों का ध्यान रखे। मैं तुम्हारे पति का कुछ नहीं लगता, क्यों आई हो मेरे पास में? जाओ अपने अपने पतियों के पास जाओ, पतिव्रता नारी का धर्म पूरा करो। इस प्रकार जब भगवान ने 10 श्लोकों में यह समझाया पतिव्रता नारी कौन, गोपियां बोली आपकी बात हो गई पूरी, अब हम कुछ बोलें? भगवान बोले हाँ बोलो। तब गोपियों ने प्रणय गीत गाया, गोपी गीत से पहले। और इस प्रणय गीत में भगवान के प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं कि हम क्यों आई हूं। कि मैं एवं विभोर हति भवान गदि तुम निशम संतज्य सर्व विषयान स्तव पादम मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्य जास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते। गोपियां भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं, इतने में कामदेव आ गया। कामदेव आके बोला प्रभु मैं तो आप पर हावी होऊंगा। भगवान बोले क्यों? बोले सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष मिलते हैं तो मैं तो आता ही हूं। भगवान बोले तू आ जा, तुझे ही देखेंगे हम। जैसे ही कामदेव आया, ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण किया, भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके कामदेव मूर्छित हो गया। सवार भगवान पर हावी होने वाला था, कुछ नहीं कर पाया। और कामदेव जब होश में आया तब भगवान को उसने नाम दिया। बोले प्रभु मेरा नाम है मदन मोहन। आपका नाम है मदन मोहन, मतलब काम को भी अपने ऊपर मोहित करने वाले। हे प्रभु मैं आपको नाम देता हूं मदन मोहन।